गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, करेंसी डेली एनालिसिस पे आप सभी का स्वागत है। आज है 11th of January 2023। डॉलर इंडेक्स 103.27। कल 12th of January को इम्पोर्टेंट डेटा दैट इज US CPI डेटा, मार्केट उसी के डेटा के लिए इंतजार कर रहा है। और ऑल्सो डॉलर इंडेक्स का जो सपोर्ट लेवल 102 से 103.75, इसके बीच में ही थोड़ा सा इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल्स है, तो हमें देखना है कि यहाँ पे ये कंसोलिडेट करके सपोर्ट ले रहा है या नहीं। डॉलर रुपी में कल एक अच्छा खासा सेल ऑफ देखा गया, इट्स ट्रेडेड लो ऑफ 81.58 ड्यूरिंग द इंटरनेशनल मार्केट, बट इन हमारा मार्केट में करीबन 75 के आसपास, कुछ 81.75 के आसपास कुछ क्लोज दिया है। जैसे कि हमारा प्रीवियस एनालिसिस में हम लोग एक रेंज के लिए देख रहे थे, 82.40 ऑन द लोअर साइड एंड 82.90-95 ऑन द हायर साइड। इसके बीच में प्राइस कंसोलिडेट कर रहा था एंड वी आर वेटिंग फॉर ए ब्रेकआउट ऑन आइदर साइड। ऊपर की तरफ अगर ब्रेकआउट होता था देन वी आर लुकिंग फॉर 83.90 से 84.00, एंड नीचे की तरफ अगर ब्रेक डाउन करता है तो वी आर वेटिंग फॉर 80.50। लेकिन ये जब कंसोलिडेशन हो रहा था उस टाइम पे, जब भी ये 82.40-50-55 तक आता था, इनविजिबल हैंड्स यूज्ड टू बाय एंड टेक द प्राइस टुवर्ड्स 82.90, तो वहाँ पे काफ़ी फ्रस्ट्रेशंस आ रहे थे। ना बाई करके अच्छा कुछ लेवल्स मिल रहा था, ना सेल करके अच्छा कुछ मिल रहा था। एट अ टाइम वी आर टेलिंग दैट जितना ज़्यादा बड़ा कंसोलिडेशन होगा उतना ही बढ़िया और उतना ही अच्छा ब्रेकआउट देगा ऑन आइदर साइड एंड वी नीड टू वेट फॉर दैट वन। सो उसी के आपका जो ब्रेकडाउन है उसी का मीन्स ये जो रेंज के ब्रेकआउट के ब्रेकडाउन के बाद एक अच्छा खासा सेल ऑफ हमने देखा है। सो दैट बीइंग द केस, यहाँ पे अभी क्या है कि अगर एनी सॉर्ट ऑफ पुल बैक, यहाँ पे जैसे कि एक पुल बैक देता है उसके बाद अगर नीचे आता है, दैट इज गोइंग टू बी एन एक्सीलेंट सेलिंग अपॉर्चुनिटीज ऑन डॉलर रुपी पार्ट। जीबीपी डॉलर अभी है 1.2160, ये कल एक कंसोलिडेशंस देखा गया है। जैसे कि हमारा कल का जो ब्रीफ मार्केट एनालिसिस था वहाँ पे हमने देखा था कि ये एक थोड़ा सा आपका डेली टर्म्स में अप्रोचिंग 60, दैट मीन द केस एक रेजिस्टेंस आ सकता है, क्योंकि वीकली इज ऑल्सो अप्रोचिंग 60, वेयर इज द मंथली इज जस्ट नियर बाई द 40, दैट इज एट 42.76, दैट मीन द केस ऊपर की तरफ थोड़ा सा रेजिस्टेंस मिल सकता है। सो हमें अभी देखना है कि ये इधर 60 पे रेजिस्टेंस लेके नीचे की तरफ आता है या नहीं, वो हमें देखना पड़ेगा। मोस्ट प्रोबेबली कल USCPI डेटा के बाद एक क्लैरिटी मिल जाएगा कि ये किधर तक जा रहा है। GBP INR में भी सिमिलरली आप देखोगे ये सेंटर बैंड में रेजिस्टेंस लेके कल एक अच्छा खासा सेल ऑफ देखा गया। और डेली RSI जो है वो डेट वाज यस्टरडे के एनालिसिस में आप देखोगे इट वाज अप्रोचिंग 60, एंड वीकली में भी जस्ट इट वाज जस्ट बिलो 60 था, व्हेयर एज द मंथली वाज also approaching 60, that being the case, GBP INR में भी हमें एक रेजिस्टेंस मिलने का प्रयास था। अभी ये जो प्राइस एक्शन हम देख रहे हैं, प्राइस एक्शन के हिसाब से ये फर्स्ट रेजिस्टेंस ऑन द सेंटर बैंड, फर्स्ट रेजिस्टेंस ऑन द सेंटर बैंड का मतलब क्या है, जस्ट लेट मी टेल यू। ये जैसे कि ये आप ऊपर गया 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 उसके बाद नीचे आके पहला बार ये सेंटर बैंड पर रेजिस्टेंस ले, दैट मीन द केस देर आर हायर पॉसिबिलिटीज कि ये खतरनाक नीचे की तरफ आ सकता है, बहुत शार्प एक नीचे की तरफ आने का प्रोबेबिलिटीज है एज फार एज द GBP INR इज कंसर्नड। अभी आते हैं यूरो डॉलर, यूरो डॉलर पे अभी ये 1.0740 पे है एंड RSI ऑन डेली टाइम 62.39, जस्ट अबोव 60। Also, हमने जब ये वीकली RSI देख रहा था, इट इज फर्स्ट टाइम इट इज टेकिंग सपोर्ट एट 60 ऑन वीकली RSI, दैट बीइंग द केस यहाँ पे हायर प्रोबेबिलिटीज है ऊपर जाने का एंड मंथली इज ऑल्सो मीन्स एट 46.50। सो यहाँ पे जो इमीडिएटली 60 के तरफ जाने के लिए एक आपका क्या बोलते हैं काफी डिस्टेंस है
ऊपर का. सो दैट मीन द केस आपका ये मंथली टर्म्स में एक ऊपर जाने का एक प्रोबेबिलिटी हो सकता है. एंड इमीडिएट जो आपका रेजिस्टेंस होगा दैट इज 1.08 से 1.0975 और टू बी प्रोसेस 1.08 से 1.10 की तरफ एक मंथली टर्म्स में एक रेजिस्टेंस आ सकता है. सो दैट मीन द केस यहाँ पे थोड़ा सा रूम है यूरो डॉलर पे ऊपर जाने के लिए रूम है. यूरो आईएनआर अगर हम देखेंगे 87.60 ये देखने वाला बात ये है कि आपका फर्स्ट टाइम रेजिस्टेंस लिया है एट 60. दैट बीइंग द केस यहाँ पे क्या ये रेंज शिफ्ट है दैट इज ए मिलियन डॉलर क्वेश्चन. रेंज शिफ्ट का मतलब क्या है यहाँ से अच्छा खासा एक सेल ऑफ आ सकते हैं. एंड ऑल्सो फर्स्ट रेजिस्टेंस एट सेंटर बैंड दैट मीन्स ये ऊपर गया नीचे आके फिर ये रेजिस्टेंस सेंटर बैंड पे लिया है फर्स्ट रेजिस्टेंस एट सेंटर बैंड. सो ये दैट इज ऑल्सो ए गुड इंडिकेशन दैट ये काफ़ी शार्प नीचे की तरफ आ सकता है. दैट मीन द केस ये नीचे आने के लिए फर्स्ट जो टारगेट होगा दैट इज 86.80 एंड एक बार 86.80 ब्रेक डाउन कर देता है देन ये फॉर और भी फर्दर सेल ऑफ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं. देखने वाला चीज यही है कि यूरो आयनर में हम सेल ऑफ देख रहे हैं और इज यूरो डॉलर पे हम ऊपर की तरफ जाने का प्रयास देख रहे हैं और दैट बीइंग द केस ये डॉलर रुपए में हम एक अच्छा खासा सेल ऑफ एक्सपेक्ट कर सकते हैं. डॉलर येन पे 132.20 है जैसे कि हमारा वीकली एनालिसिस एंड प्रीवियस एनालिसिस पे हम देखेंगे कि एक तो ये सपोर्ट जोन पे था 130.40 तो 131.20 के बीच में यहाँ पे सपोर्ट या कंसोलिडेट करने का एक्सपेक्टेशंस हमारा था एंड ऑल्सो दैट ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस. इसको अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करता है इन सच ए केस हम थोड़ा सा ऊपर की तरफ एक प्राइस मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं उसी का हमारा इंतजार था. एंड ऑल्सो आरएसए टर्म्स में अगर आप देखोगे आरएसए टर्म्स में ये आपका 40 के आसपास होवर अराउंड कर रहा है घूम रहा है एंड ट्राइंग टू टेक सपोर्ट्स. सो दैट बीइंग द केस यहाँ पे एक प्रोबेबिलिटी है कि ये ऊपर की तरफ जा सकता है. अगर इसको ऊपर की तरफ जाना है फर्स्ट इसको ये 134.70 के ऊपर डेली बेसिस में क्लोज देना पड़ेगा देन एंड ओनली देन वी कैन एक्सपेक्ट एन अपवर्ड मोमेंटम टुवर्ड्स हायर लेवल्स. और आपका एन आई एन आर पे अगर हम देखेंगे एन आई एन आर पे भी आपका यहाँ पे देखोगे कि एक रेंज शिफ्ट ले रहा है. दैट मीन द केस यहाँ पर भी हमें एक अच्छा खासा नीचे की तरफ सेल ऑफ देख सकते हैं. उसके बाद हम आते हैं डॉलर कैंडी. डॉलर कैंडी में कल एक कंसोलिडेशंस किया है करेंटली एट 1.3422. इसको अगर नीचे की तरफ जाना है इन सच ए केस पहले परसों का जो लो है दैट इज 1.3350 परसों का लो बोले तो 9th of January का जो लो है उसके लो के नीचे आपको ये जाना पड़ेगा तब जाके एक फर्दर फॉल टुवर्ड्स 1.3230 हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं. और जो हमारा और एक जो ये था टारगेट था ये जो बॉक्स का टारगेट था उसका बॉक्स का टारगेट हमको मिल चुका है ऑलरेडी. अभी इंतजार है कि 9 तारीख के लो के नीचे ब्रेक देना इन सच केस हम एक फर्दर सेल ऑफ एक्सपेक्ट कर सकते हैं. ऑसी डॉलर पे अगर हम देखेंगे ऑसी डॉलर पे ऑन डेली चार्ट पे ये कंसोलिडेशन फेज पे है. आरएसए टर्म्स में देखेंगे ये फर्स्ट टाइम ट्राइंग टू टेक सपोर्ट एट 60. इट्स ए गुड इंडिकेशन. गुड इंडिकेशन मीन्स ऊपर की तरफ जाने का एक प्रयास कर सकते हैं. अगर हम वीकली देखेंगे इट इज अप्रोचिंग 60 एंड मंथली में अगर हम देखेंगे ये एट 47.40. हालांकि मंथली टर्म्स में काफ़ी रूम है रेजिस्टेंस फेस करने के लिए एट 60 लेकिन वीकली में काफ़ी नज़दीक एक रेजिस्टेंस है करेंटली एट 56 तो 60 जाने के लिए एक रेजिस्टेंस हो सकता है. दैट बीन द केस हम एक वीकली टर्म्स में एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस देख सकते हैं दैट इज एट 0.7050 की तरफ. एंड डेली में अगर ये कन्फर्म हो जाता है कि ये सपोर्ट ले रहा है कन्फर्मेशन कैसे होगा देखिए कल के हाई के ऊपर आज अगर क्लोज दे देता है इन सच ए केस एक मीन्स डेली टाइम फ्रेम में एक अपवर्ड मोमेंटम हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं बट वीकली टाइम फ्रेम में एक रेजिस्टेंस आ सकता है. डॉलर सीएनएच में 6.78 है ये कल आपका एक डोजी कैंडल बनाया हुआ है. डोजी कैंडल एट द डाउन आपका क्या बोलते हैं एट द मीन्स एंड ऑफ द डाउनवर्ड मूव है एंड ऑल्सो एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट जोन है. सपोर्ट जोन क्या है आपका
6.72 8 से 6.788 के बीच में एक सपोर्ट जोन है। यहाँ पे क्या ये सपोर्ट लेके थोड़ा सा टाइम पास करेगा या नहीं करेगा, ये हमें मीन्स देखना है। ये है आपका डेली बेसिस का एनालिसिस। अगर हम वीकली इसको देखने का प्रयास करेंगे सो इट इज़ एट 40 सपोर्ट, एंड मंथली अगर देखेंगे तो ये 51 पे है। तो थोड़ा सा ज़्यादा कुछ मीन्स ओनली वीकली बेसिस पे एक छोटा सा सपोर्ट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज प्राइस के लिए आपका क्या बोलते हैं, ये थोड़ा सा मीन्स लोअर लेवल पे 6.7 to 7.80 के आसपास एक सपोर्ट ले सकता है। आपका यूके ऑयल 79.50, ये छोटा छोटा कैंडल फॉर्मेशन हो रहा है। एंड आरएसआई अगर देखेंगे इट इज ट्राइंग टू टेक सपोर्ट एट 40, ट्राइंग टू टेक मीन्स ऑलमोस्ट सपोर्ट ले चुका है। ओनली इसके लो के नीचे ये निगेट कर सकता है कि ये सपोर्ट निगेट होगा। अदरवाइज अभी एक हायर लो बनाया हुआ है, आप देखोगे दिस इज द लो, दिस इज द लो एंड दिस इज द नेक्स्ट हायर लो, दैट मीन द केस। एंड ऑल्सो आप यहाँ पे एक हायर हाई है, इसको अगर ऊपर जाना है तो पहले ये हायर हाई को ब्रेक करके एक न्यू हाई बनाना पड़ेगा। अगर क्या ये आने वाले दिनों में बनता है हमें ये देखना पड़ेगा। एंड US 10-year ट्रेजरी 3.60, कल एक अच्छा खासा मीन्स मॉडरेट बाउंस देखा गया था, लेकिन अभी है 3.608। तो आपका डेली बेसिस में अगर हम देखेंगे ये सपोर्ट ले रहा है 40 पे आपका, एंड वीकली में अगर हम देखेंगे वीकली में एट 53 है एंड मंथली पे अबव 60 है। दैट बीइंग द केस यहाँ पे एक सपोर्ट लेके थोड़ा सा ऊपर आने का प्रयास कर सकता है। अगर इस यहाँ पे सपोर्ट के ऊपर जाता है तो इमीडिएट जो रेजिस्टेंस होगा 3.90 का एक मेजर रेजिस्टेंस हो सकता है। कल का यूएस सीपीआई डेटा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सो हमें देखना है कि क्या व्हाट सॉर्ट ऑफ डेटा इट इज, एंड क्या यूएस टेन ट्रेजरी यहाँ से सपोर्ट लेके इट इज हेडिंग टुवर्ड्स 3.90 नट, वो हमें देखना पड़ेगा। सो करेंसी डेली एनालिसिस अभी के लिए इतना ही। आशा करता हूँ ये प्रेजेंटेशन आपको अच्छा लगा होगा। इफ सो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए अमंग योर माइंड फ्रेंड्स। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे एहेड।